बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व आला आलिक व सहाबिक या सैयदुल अंबिया व मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब हरियत से होंगे। मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके लिए ये बड़ी खूबसूरत वीडियो है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुझे मदीनतुल मुनव्वरा में दोबारा आना नसीब हुआ है और मस्जिद नबवी शरीफ में दोबारा नौकरी करने की सआदत नसीब हुई है। और आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है, यकीनन आपको पता तो पहले ही चल गया होगा, लेकिन आपको मैं ये मंज़र दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कोरोना से पहले मदीना पाक की रौनकें थी, मक्का पाक की रौनकें थी, बिल्कुल वैसे ही अब मदीना पाक और मक्का पाक की रौनकें बहाल कर देगी हैं। तो ये देखिए, ये सामने आपको ये दो बच्चे भी छोटे नज़र आ रहे हैं, तो बड़ों से लेकर बच्चों को तमाम को आज इजाज़त है मस्जिद नबवी शरीफ में आने की। ये सामने इस तरह भी देखिए, एक छोटा सा भी बच्चा है, तकरीबन इसकी उम्र 4 साल होगी, और यानी कि 5 साल से जो 5 साल की एज तक हैं बच्चे वो आ सकते हैं, इससे कम भी मैंने देखे हैं, लेकिन उन्होंने जो ऐलान किया था वो 5 साल की एज तक हैं। तो अभी माशाल्लाह बहुत ही खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है ये सारा मंजर देखकर। दुआ है अल्लाह पाक तमाम आशिकान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। मदीना पाक वापस आने से पहले मुझे जिन दोस्त अहबाब ने, जिन साथियों ने बारगाह रसूलल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम का नजराना अकीदत पेश करने का कहा था, उन सब का मैंने सलाम और हाज़री नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह निशान में पेश की है। और दुआ है कि आपकी वो हाज़री आपका सलाम अकीदत कबूल फरमा कर आप पर नज़र करम अता फरमाएँ। दुआओं में याद रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।